शेयर करूंगी लड़की होने के 10 लक्षण। जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी नज़दीक आता है वैसे हम सोचने लगते हैं कि हमारे गर्भ में क्या पल रहा है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। और ज़्यादा हम महिलाएं सोचती हैं, और हम इसलिए नहीं सोचती हैं कि हम भेदभाव करती हैं लड़की और लड़के में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद लड़की के लिंग भेदभाव का विरोध करती हूँ। हमें जिज्ञासा होती है, गर्भवती महिला के अंदर एक जिज्ञासा होती है जानने की कि आखिर वो गर्भ में क्या पल रहा है, लड़की है या लड़का। तो हम ऐसे तो जा करके चेक नहीं करा सकते हैं क्योंकि कानूनन जुर्म है ये बहुत बड़ा, तो हम ऐसा नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा वर्षों से हमारा ये दादा दादी पर दादी दाई माँ जो हमारा अनुमान लगाती थी, वही कुछ लक्षण यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि मैं कोई भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरी वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। हम प्रेग्नेंट वुमेन के सोने की स्थिति से पता लगा सकते हैं कि उसके गर्भ में क्या पल रहा है। जैसे आप अपने सोने की स्थिति से भी पता लगा सकते हो कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। अगर आपके गर्भ में लड़का है तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाईं ओर करवट लेकर सोना ज़्यादा प्रिफेयर करती हैं, ज़्यादा पसंद करती हैं। और वहीं अगर उसके गर्भ में लड़की है तो वो दाईं ओर करवट लेकर ज़्यादा सोना पसंद करती है। मेरे गर्भ में लड़की थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाईं ओर करवट लेकर सोना पसंद करती थी क्योंकि मुझे कंफर्ट था और मुझे अच्छा भी लगता था सोना। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यूरिन का कलर, आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपके गर्भ में लड़का है, आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो आपका यूरिन का कलर डार्क पीला हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पीला हो जाएगा। वहीं अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव की है तो आपका यूरिन का कलर लाइट पीला, हल्का पीला रहेगा। मुझे एक कमेंट भी आया था कि उनका यूरिन का कलर पीला है तो क्या है। तो अगर आपका डार्क है तो लड़का हो सकता है, अगर हल्का है तो आपका लड़की हो सकती है, ठीक है। चलिए खाने की इच्छा, प्रेग्नेंट महिला को हर समय अलग अलग चीज़ें खाने को मन करता रहता है। वो खुद भी नहीं जान पाती हैं कि उनको क्या मन कर रहा है, जैसे कभी खट्टा तो कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी चटपटा, ऐसे अलग अलग तरह के उनको चीज़ें पकवान खाने को मन करते रहते हैं। प्रेगनेंसी में चटपटा और नमकीन खाने का मन करे तो ये लक्षण एक लड़का को दर्शाता है। अगर ज़्यादा मीठा खाने को मन करे तो ये लक्षण एक बेबी गर्ल को दर्शाता है। मूड में ज़्यादा चेंज आना, जब महिला का मूड बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कुछ समय में वो खुश रहती है तो कुछ समय में वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है और कुछ समय बाद वो नॉर्मल भी हो जाती है, तो समझ सकते हैं कि ये एक लड़का होने का लक्षण है। और वहीं अगर वो नॉर्मल रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही रहती है जैसे वो पहले रहती थी, तो समझ लीजिए ये बेबी गर्ल का लक्षण है। हार्ट बीट, यदि गर्भ में शिशु की हार्ट बीट 140 प्रति मिनट है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको एक लड़का होने वाला है। जबकि यही अगर लड़की होती है तो 140 प्रति मिनट से कम रहता है हार्ट बीट। स्तन के आकार में फर्क आना, सुनिए, गर्भवती होने पर महिला का हार्मोन बदलने के कारण उसके स्तन के आकार में परिवर्तन आता ही है और ये नॉर्मल है। और जब दायां स्तन बड़ा और भारी हो जाए, बायां स्तन थोड़ा सा छोटा हो जाए तो लड़का होने को दर्शाता है। और वहीं अगर स्तन दोनों बराबर रहे, 8वें महीने से पहले दोनों स्तन बराबर रहे तो हो सकता है कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। हाथ पैर का ठंडा होना, जब त्वचा शुष्क हो जाती है और हाथ पैर बिल्कुल भी ठंडे हो जाते हैं, आपके तलवे जो है ना वो बिल्कुल भी ठंडे हो जाएंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। जबकि लड़की होने पर सब कुछ नॉर्मल रहता है, आपके हाथ पैर एकदम नॉर्मल रहेंगे, गर्म रहेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे विंटर रहे, चाहे समर रहे, चाहे बरसात रहे, कुछ भी रहे, आपका हाथ पैर एकदम नॉर्मल रहेगा, तो आपने एक लड़की को कंसीव किया है। गर्भ का आकार, गर्भ में लड़का हो तो पेट का आकार लंबाई हो जाता है, यानी कि शिशु नीचे की तरफ ज़्यादा होता है और इसके विपरीत
विपरीत अगर लड़की होती है तो पेट का आकार गोल हो जाता है और आगे की तरफ हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी होना, चक्कर आना, ये तो आम बात है, हर प्रेग्नेंट महिला को मॉर्निंग सिकनेस होता ही है। और यदि आपको लड़का है तो ये समस्या कम होगी। यहीं अगर मतलब आपके गर्भ में अगर लड़का है तो ये मॉर्निंग सिकनेस आपको कम होगी, जैसे कि उल्टी कम होगी, चक्कर कम होगी, आपको बहुत ही मतलब सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। यहीं अगर गर्भवती महिला अगर एक बेबी गर्ल को कंसीव की है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उल्टी दिन भर होगी, चक्कर भी दिन भर आते रहेंगे, सिर दर्द दिन भर रहेगा, ऐसा माना जाता है। अगर आपके गर्भ में लड़की है तो आपकी एड़ियाँ सफ़ेद नॉर्मल रहेंगे। और वहीं अगर लड़का है तो सॉफ्ट पिंक हो जाता है। सो मेरी प्यारी बहनों, ये सब लक्षण एक अनुमान लगाया हुआ लक्षण है, इसका कोई साइंटिफिक नहीं है, ये 100% सही नहीं होता है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखकर कोई भी गलत कदम मत उठाएं। लड़का लड़की एक समान होता है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी केस में ये लक्षण सही भी हो जाते हैं और किसी केस में गलत भी हो जाते हैं। तो सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो चाहे लड़की हो या लड़का, ये सोचने से अच्छा कि आप लड़का है कि लड़की है ये मत सोचिए, इससे अच्छा आप सोचिए कि आपके घर में जो भी है स्वस्थ हो, अच्छा हो और एक हेल्दी बेबी आपको मिले। ओके, आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को मेरी ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको मिले, मेरी कोई भी प्यारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा महीना चल रहा है, आपको क्या चाहिए, गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपना ख्याल रखिए और इस समय हेल्दी फूड लेने की ज़रूरत है क्योंकि समर स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल भी जंक फूड मत खाइएगा। आशा करती हूँ अच्छे रहेंगे आप सभी, अपना ध्यान रखेंगे और मुझे मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।